लेप्रोस्कोपिक नीसन फंडोप्लिकेशन यानी कि एसिड रिफ्लक्स, गर्ग और हाइएटस हर्निया की सर्जरी के बाद की कार्य क्षमता और व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज और एक्टिविटी। सभी मरीज जिन्होंने ये सर्जरी करवाई हो या करवाने के बारे में सोच रहे हैं, उन सभी मरीजों के मन में कई प्रश्न उठते हैं, खासकर ऑपरेशन के बाद की उनकी कार्यक्षमता और व्यायाम यानी कि एक्टिविटी और एक्सरसाइज के बारे में। ऑपरेशन के बाद कब हम हमारे रूटीन एक्टिविटी पे वापस आ सकते हैं, ऑपरेशन के बाद हम किस प्रकार के व्यायाम कर सकते हैं, क्या हम जिम में होने वाली मसल बिल्डिंग और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या हम योगासन कर सकते हैं, कब हम हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी फिर से शुरू कर सकते हैं, और क्या इस ऑपरेशन के बाद में हमेशा के लिए यानी कि जीवन भर के लिए कुछ एक्टिविटी या एक्सरसाइज पर पाबंदी होगी। ये सारे प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए बिल्कुल जायज़ भी है, और ये वीडियो में इसीलिए हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक मेथड से किया जाता है, इसीलिए ऑपरेशन के बाद का दर्द बेहद ही कम होता है। हमारे ज्यादातर मरीज ऑपरेशन के कुछ ही घंटों में बिस्तर से निकल के घूमते फिरते हैं। हालांकि ऑपरेशन के शुरुआत के कुछ दिनों में थोड़ा बहुत दर्द होता है और दर्द की दवाई की जरूरत भी रहती है, पर इसके बावजूद घूमने फिरने और सीढ़ी चढ़ने पर ऑपरेशन के पहले ही दिन से कोई पाबंदी नहीं होती, बल्कि हम हमारे मरीज को ऑपरेशन के पहले ही दिन से ज्यादा घूमने फिरने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनकी रिकवरी ज्यादा तेजी से होती है। इस तरह घूमना फिरना, सीढ़ी चढ़ना और कुछ सावधानियों के साथ बस, गाड़ी या ऑटो से ट्रैवल किया जा सकता है। ऑपरेशन के कुछ ही दिनों में जैसे ही मरीज स्वस्थ महसूस करता है, घर के और ऑफिस के रूटीन कार्य शुरू कर सकते हैं। ऑपरेशन के कुछ ही दिनों में आपके सर्जन की अनुमति के बाद और कुछ सावधानियों के साथ शहर के बाहर का ट्रैवल गाड़ी से, ट्रेन से, फ्लाइट से किया जा सकता है। इस ऑपरेशन में हायटस हर्निया का रिपेयर डायफ्राम के हायटस के स्नायुओं पर टांके लेके किया जाता है, और इसीलिए डायफ्राम के इस भाग पर ज्यादा तनाव ना आए, ज्यादा जोर ना आए, वो बेहद महत्वपूर्ण है। हायटस के स्नायुओं पर टांकों की जगह पर संपूर्ण हीलिंग होने में और ताकत बनने में कुछ महीनों का समय लगता है, और तब तक के लिए कुछ गतिविधियां और व्यायाम पर पाबंदी रखनी चाहिए। ऐसी सभी गतिविधियां, व्यायाम, सारी क्रियाएं जिसमें पेट पे जोर आता है और डायफ्राम पर तनाव और प्रेशर आता है, उन सबको शुरुआत के 3 महीनों के लिए नहीं करना चाहिए। इसीलिए जिम में होने वाली कठोर व्यायाम, मसल बिल्डिंग और मसल टोनिंग एक्सरसाइज, विविध योगासन और मुद्राएं शुरुआत के 3 महीनों के लिए नहीं करनी चाहिए। ऑफिस और घर के रूटीन कार्यों में भी 5 किलो से अधिक का वजन शुरुआत के 3 महीनों में नहीं उठाना चाहिए। शुरुआत के 3 महीनों में पेट के बल उल्टा भी नहीं सोना चाहिए। हम हमारे सभी मरीजों को ऑपरेशन के बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि गहरी सांस का एक्सरसाइज और प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उससे ऑपरेशन के परिणाम ज्यादा बेहतर मिलते हैं। पर हम ये भी समझाते हैं कि ब्रीदिंग की कुछ और टेक्निक, योग और प्राणायाम की कुछ और क्रियाएं जैसे कि कपालभाति और अनुलोम विलोम शुरुआत के 3 महीनों के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें डायफ्राम के स्नायुओं का संकोचन ज्यादा मजबूती से और झटकों से होता है, जो अवॉइड करना चाहिए। हम हमारे मरीजों को ऑपरेशन के पहले महीने के लिए द्विचक्री वाहन यानी कि 2-व्हीलर न चलाने की सलाह देते हैं। ऑपरेशन के शुरुआती महीनों में सड़क दुर्घटना यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ना हो, उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर हायटस हर्निया की रिपेयर की जगह पर समस्या आने की संभावना रहती है। शुरुआती महीनों में यात्रा के दौरान गड्ढों और झटकों से भी बचने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए।
आपको ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे पाबंदियाँ और सारे रिस्ट्रिक्शन कुछ महीनों के लिए ही है। ऑपरेशन के 3 महीने के बाद आपके सर्जन की अनुमति के साथ ये सारी क्रियाएं और व्यायाम आप धीरे धीरे फिर से शुरू कर सकते हैं। ये ऑपरेशन के बाद में जीवन भर के लिए या लाइफ लॉन्ग के लिए किसी भी प्रकार के व्यायाम और गतिविधियों पर पाबंदी नहीं होती है। ऑपरेशन के बाद कुछ ही हफ्तों में जैसे ही आप ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं, आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी फिर से शुरू कर सकते हैं। हालांकि शुरुआती दिनों में ये क्रियाएं आपको ज्यादा सौम्यता से करनी चाहिए और पेट के ऊपरी हिस्से में ज्यादा दबाव या वजन ना आए उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आशा रखता हूं कि लैप्रोस्कोपिक निसन फंडोप्लिकेशन यानी कि गर्ड, एसिड रिफ्लक्स और हाइडस हर्निया की सर्जरी के बाद की कार्यक्षमता, गतिविधियां और व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज और एक्टिविटी के बारे में आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे। मगर आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी सलाह और सूचन इस प्रकार के ऑपरेशन के बाद मरीजों को दी जाने वाली कॉमन सलाह है, और मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आपको अपने सर्जन से इसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी चाहिए कि आपके केस में आपके हाइडस हर्निया के साइज को लेकर, आपके ऑपरेशन की डिटेल को लेकर, आपके स्नायुओं की मजबूती को लेकर और आपकी दूसरी बीमारियों को लेकर ये सारी सलाह में कोई और विशेष या स्पेशल बदलाव की जरूरत है या नहीं।